तो देखिए ये हमारा क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट पे क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम सहसंबंध गुणांक कहते हैं, गॉट इट। तो ये जो कोरिलेशन सफिशिएंट है ये आपका बीएड में क्वेश्चन होता है, ठीक है, ठीक है, सॉरी कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ये है आपका। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमको इस तरह से चार्ट बना के दे देते हैं, ठीक, एग्ज़ाम में हमको ऐसे चार्ट बना के दे देते हैं, तो फिर इसके हिसाब से इसके बाद हमको खुद इसकी रैंकिंग निकालनी होती है और फिर डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। और फिर जो उसका फॉर्मूला होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, उस फॉर्मूले पे पुट करके इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, ओके। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो आपके, पहली बात तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है ज़ीरो। तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। नाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन वो रिलेशन कोरिलेशन होता है जो कि ज़ीरो से वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो, चाहे वो 0.1 हो, 0.2 हो, 0.5 हो, 0.7 हो, 0.9 हो, या फिर 1 से भी ऊपर हो, तो वो पॉजिटिव आपका कोरिलेशन हुआ। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन वो रिलेशन होता है जिसकी वैल्यू ज़ीरो से कम हो, ठीक है, जैसे वहाँ पे माइनस साइन आने लगा तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है। नाउ उसके बाद आपका फिर ज़ीरो कोरिलेशन क्या होता है, जिसकी वैल्यू ना तो 1 हो ना ही ज़ीरो से कम हो, मतलब ना ज़ीरो से ज़्यादा हो ना ज़ीरो से कम हो, तो वो ज़ीरो कोरिलेशन होता है, ठीक है, ठीक। तो उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, गॉट इट, तो हम क्या करेंगे उस टाइम जब न्यूमेरिकल्स हमको इस तरह से एग्ज़ाम में दे देता है, जब आपको एग्ज़ाम में ऐसे दे देता है न्यूमेरिकल्स, तो हम उस समय कंडीशन में क्या करते हैं कि हम ये जो चार्ट होता है इसको हम यहाँ तीन रो में, जैसे तीन रो है, तीन रो तक हम इतना लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी गिव द रैंकिंग्स। जैसे कि रैंकिंग हम कैसे देंगे, अगर हम मैथ की रैंकिंग की बात करें तो इसमें मैथ के सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, जी का, तो जी को हमने फर्स्ट रैंक दे दिया। उसके बाद जे का सेकंड रैंक, उससे कम थोड़ा नंबर है तो हमने सेकंड रैंक को जे को दे दिया। तो इस हिसाब से जैसे जैसे नंबर होते हैं वैसे वैसे हम लोग रैंकिंग देते हैं। जैसे कि क्लासेस में होता है कि जो सबसे टॉप करता है उसका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड कौन होता है जो उसे थोड़ा सा कम नंबर पाता है, तो उसी तरह से हम रैंकिंग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम रैंकिंग दे रहे हैं जिस तरह से हमने मैथ में रैंकिंग दी, एज वेल एज हम यहाँ पर साइंस में भी रैंकिंग देंगे, राइट। साइंस में जैसे कि रैंकिंग हमने दी थी, साइंस में सबसे ज़्यादा नंबर किसका था, जी का था, फिर सेकंड नंबर किसका था, एच का था, थर्ड नंबर कौन था, एफ था, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने यहाँ भी रैंकिंग दे दिया। अब क्या होता है, सिक्स जो हम करेंगे यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे, रैंकिंग की डिफरेंस निकालेंगे। रैंकिंग की डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, तो डी किस तरह से निकालते हैं कि रैंक नंबर 1 से रैंक नंबर 2 को हम माइनस करते हैं, ठीक। जब हमने रैंक नंबर 1 से रैंक नंबर 2 को माइनस किया तो हमें यहाँ पर डिफरेंस मिलना शुरू हो गया। जैसे कि 6 में से हमने 4 माइनस किया तो हमको 2 मिला, फिर 4 में से 6 माइनस किया तो -2 मिला, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ जो पॉइंट होता है, सेवन्थ पॉइंट में क्या होता है, हम जो डी हमको मिला रहता है, जो हमको डिफरेंस मिला होता है उसको हम स्क्वायर करते हैं, गॉट इट। जब हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद क्या होता है डियर, कि हमको वहाँ पे उन सबका स्क्वायर करने के बाद उनको सम करना होता है। जब हम यहाँ सम ने सबका स्क्वायर करने के बाद हमने सम किया, तो सम करने के बाद हमको क्या मिला, सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है। हमको कोफिशियंट डी स्क्वायर मिल गया, क्या कोफिशियंट डी स्क्वायर हमको मिला 80। और यहाँ पे हमने जब इसका सम किया तो कितने बच्चे थे टोटल, एन कितना निकाला हमें, हमने एन टेन, यहाँ पे हमको 10 मिल गया, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। इसका हम फॉर्मूला देखेंगे तो हमें क्या इसका फॉर्मूला मिलेगा, इसका फॉर्मूला है आपका रो 1-6 कोफिशियंट डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर -1, ये आपका है, ठीक। तो हमको पता है कि हमारी जो एन की वैल्यू है, गॉट इट, जो एन की वैल्यू है वो क्या है, एन की वैल्यू आपकी 10 है क्योंकि यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स थे, ठीक। और कोफिशियंट डी की इस वैल्यू क्या है, कोफिशियंट डी की जो वैल्यू है, डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 80 थी, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम देखते हैं रो क्या होता है। पहली बात तो रो क्या है, तो रो कोरिलेशन कोफिशियंट है। सिग्मा डी स्क्वायर क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस इन द रैंक, मतलब जितने डिफरेंस निकाला उस रैंक का हमने स्क्वायर किया तो वो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर है। एन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड एन स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। नाउ ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। अब हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, हमें सिग्मा डी स्क्वायर का कोफिशियंट डी स्क्वायर का वैल्यू पता है 80 है, तो हमने यहाँ पे 80 रख दिया। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, 6 कोफिशियंट डी स्क्वायर, तो 80 को हम 6 से इंटू करेंगे तो हमारा 480 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे था कि n n स्क्वायर माइनस वन, तो हमने क्या किया कि n जो थी हमारी वैल्यू, n हमारी वैल्यू 10 थी, हमने 10 रखी, नौ n स्क्वायर किया तो 100 हो गई इसकी वैल्यू, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, फिर माइनस वन तो मतलब 99, तो हमने यहाँ पे जब निकाला इस तरह से आया। तो इस तरह से आने के बाद फिर आप देखिए कि 1, क्योंकि हमारा ये पूरा फॉर्मूला है कि 1 माइनस 6 कोफिशियंट डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक ब्रैकेट क्लोज। तो हमने जब वैल्यू रखी तो हमें आंसर यहाँ पे मिल गया 0. हमको आंसर क्या मिला 0.5152। तो अब हम उसमें क्या लिखा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये साथ में लिखा हुआ था कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, अपने परिणाम की व्याख्या कीजिए। तो परिणाम की व्याख्या कीजिए मतलब अपने जो आपने आंसर निकाला है ना, कृपया करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, रिक्वेस्ट है कि आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने एक्सप्लेन किया, हमने क्या इसमें एक्सप्लेन किया कि हमने ये एक्सप्लेन किया कि जो गणित और विज्ञान मतलब जो साइंस और मैथ था उसका जो अंक निकाला, अंक मतलब जो हमने नंबर फाउंड आउट किया कोरिलेशन कोफिशियंट का, सहसंबंध गुणांक का, हमने जो यहाँ पे रिलेशन निकाला डिफरेंस निकाला, तो उस डिफरेंस को निकालने के बाद हमको क्या मिली वैल्यू 0.5152। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई है। तो ये हमारा कैसा कोरिलेशन कोफिशियंट है, ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशियंट है, ठीक है। गणनांक अगर पूछ रहे हैं कि आप व्याख्या कीजिए तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये क्या है आपका, पॉजिटिव है नेगेटिव है कि जीरो है, तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशियंट है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो थैंक यू गाइज़।